सरकार से मूल निवास के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बीच में देखा होगा कि सरकार एक यूसीसी बिल लाई है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा कि सरकार यूसीसी बिल लाई है। और हमारे लोगों ने सरकार के कहने पे या हमारे नेताओं के कहने पे जय जयकारे भी लगा दिए। जहां पर लोग दूसरे को थप्पड़ मारने से डरते हैं, उस प्रदेश में अगर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया हो, उस प्रदेश में बहन अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हो रहे हो, तो हमें शर्मसार होना चाहिए, हमारे इस प्रदेश को शर्म से डूब जाना चाहिए। यह चुनाव है, मैं इसको चुनाव नहीं मान रहा हूं, ये और आपको भी चुनाव नहीं मानना चाहिए। ये एक लड़ाई है, ये एक आंदोलन है, और इस आंदोलन को लड़ने के लिए आज अगर जनता खुद सड़कों पर उतरी है तो मुझे लगता है कि हम इस आंदोलन को जरूर जीतेंगे। ये एक ऐसा आंदोलन है जिससे कि उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता को बचाया जा सकता है। युवाओं के सर फोड़ दिए, युवाओं की टांगे तोड़ दी, युवाओं को लहू लुहान कर दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई मातृशक्ति भी हमें सुन रही है, कई हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं जिनकी बेटियां हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को फूल की तरह पाला है। आज बहन अंकिता भंडारी की बारी थी, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन घटनाओं को रोका नहीं गया, तो कल के दिन उनकी जगह हमारी बहन बेटी भी हो सकती है। अभी तक शामिल थे, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हमको पता लगा कि चैन इतनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं हम तो कमजोर लोग थे, कमजोर इसलिए थे कि हमारे पास कोई ना तो किसी दल की पावर थी, ना किसी संगठन की पावर थी, ना कोई ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड था, ना किसी अधिकारी का संरक्षण था, ना किसी नेता का संरक्षण था। पर इस प्रदेश के युवाओं ने, जिन्होंने देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर जैसे शहरों में अपना जीवन खपा दिया था, उन लोगों ने तय किया कि एक संगठन बनना चाहिए। जब तय किया तो एक पहल की गई, और देहरादून के गांधी पार्क में पहले दिन कम से कम 250 से 300 लोग इकट्ठे हुए। वो लोग चक्राता उत्तरकाशी से लेकर चमोली पिथौरागढ़ तक के सारे लोग आए थे। उन लोगों ने जब जिम्मेदारी सौंपी कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, उन्होंने कहा कि एक लड़का हम में साइड में बैठा हुआ था कि आप अध्यक्ष बनिए, पर मैं उनमें सबसे छोटा था, कमाल करिए। उन्होंने अध्यक्ष जब बनाया तो मैं समझता हूं कि उस दौरान अपना जो काम था केवल पढ़ाई का था, कोचिंग से कमरे पे जाते थे, कमरे से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से घर आते थे, यही हमारा एक रूल था जो हम कर रहे थे। मुझे उस दौरान माइक में बोलने की तक हिम्मत नहीं होती थी, मुझे उस दौरान मीडिया में बोलने की तक हिम्मत नहीं होती थी, पर जब वास्तविक रूप में संगठन बनाया, हम रोजगार के लिए लड़े कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। कुछ भर्तियां जब खुली, जब भर्तियों में धांधली देखी गई, जब भर्तियों में कोई ठेकेदार सेलेक्टेड हो रहा है, कोई प्रधान सेलेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर सेलेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से जब कोई भाजपा का महामंत्री सेलेक्ट हो रहा है, कोई कांग्रेस का मंडल महामंत्री जो सेलेक्टेड हो रहा है, जब ये देखा तो कहीं ना कहीं पीड़ा हुई कि वास्तव में इस प्रदेश को यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के सरकारों ने भ्रष्टाचार की आग में झोल दिया है। तो जब ये भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू हुई तो हम लोगों ने प्रयास किए, और मैं कहता हूं कि आज भ्रष्टाचार कितनी भी चरम सीमा पर हो, हमारे प्रदेश के अंदर कुछ नेता और कुछ अधिकारी आज भी ईमानदार हैं। उन लोगों का जब मार्गदर्शन लिया, उन लोगों ने जब कहा कि यहां से ये गड़बड़े हो रही है, हमारी टीम उसके पीछे लगी, तो टीम ने पूरे जड़ से उसको खंगाल डाला कि कहां से क्या चीजें हो रही है। तब जाकर वो चीजें निकल कर आई, और तब जाकर आज 100 भ्रष्टाचारी जेल में भेज पाए। और वो 100 भ्रष्टाचारी कब जेल में गए, जब आप लोगों के बच्चों ने हमारे साथ मिलकर देहरादून की सड़कों पर संघर्ष किया। वो 100 भ्रष्टाचारी जेल तो गए, और जब युवाओं ने सोचा कि युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है, तो देहरादून की सड़कों पर उन लोगों ने पूरा जाम कर दिया, उन लोगों ने आंदोलन के लिए वो आ गए। उस दौरान जब ऊपर से इशारा हुआ कि इस आंदोलन को तोड़ना है, तो पुलिस ने सरकार के कहने पर, कुछ अधिकारियों के कहने पर, युवाओं पर लाठियां बरसाई, युवाओं के सर फोड़ दिए, युवाओं की टांगे तोड़ दी, युवाओं को लहू लुहान कर दिया, और जो नेतृत्व हम लोग कर रहे थे, हम लोगों को जेल भेज दिया।
मुझे तो आज मेरी आंखें नम है कि आप लोग जब हमें जेल की यात्रा करनी पड़ी उस दौरान इसी परोला के अंदर मशाल जुलूस निकाले गए, इस नौगांव पड़ोस नौगांव में वहां पर लोग टावरों पर चढ़ गए, इसी लाखा मंडल में, इसी बड़कोट में या यहाँ से पिथौरागढ़ तक के लोग जब सड़कों पर उतरे तब जाकर सरकार ने जो झूठे मुकदमे किए थे, जो ड्यूटी 307 जैसी गंभीर धारा लगाई थी उसको हटाकर हम लोगों को जमानत देनी पड़ी। इसलिए मेरी आंखें आज नम है कि वास्तव में ये समाज जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी वो हमेशा साथ खड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज चुनाव तो 5 दिन का है, चुनाव बीत भी जाएगा, चुनाव के परिणाम क्या रहते हैं वो समय बताएगा, वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह चुनाव है मैं इसको चुनाव नहीं मान रहा हूं, ये और आपको भी चुनाव नहीं मानना चाहिए। ये एक लड़ाई है, ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन को लड़ने के लिए आज अगर जनता खुद सड़कों पर उतरी है तो मुझे लगता है कि हम इस आंदोलन को जरूर जीतेंगे। यह एक ऐसा आंदोलन है जिससे कि उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता को बचाया जा सकता है। आज हमारे प्रदेश में इन शांतवादियों में जहां पर लोग दूसरे को थप्पड़ मारने से डरते हैं, उस प्रदेश में अगर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया हो, उस प्रदेश में बहन अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हो रहे हो, तो हमें शर्मसार होना चाहिए, हमारे इस प्रदेश को शर्म से डूब जाना चाहिए। और जब प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरती है कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय दो, जिन लोगों ने, जो दोषी हैं उनकी सीबीआई जांच हो, तो हमारे अधिकारी, हमारे नेता अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब सीबीआई जांच होगी तो कहीं ना कहीं रडार में उन्हीं लोगों को आना है। आज बहन अंकिता भंडारी का मामला था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई मातृशक्ति भी हमें सुन रही है, कई हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं जिनकी बेटियां हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को फूल की तरह पाला है। आज बहन अंकिता भंडारी की बारी थी, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन घटनाओं को रोका नहीं गया, तो कल के दिन उनकी जगह हमारी बहन बेटी भी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह आंदोलन है, चुनाव नहीं है। जिन लोगों ने बहन अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच नहीं करवाई, उन लोगों को जवाब देने का समय आ चुका है। हम 450 दिनों से देहरादून में एक तिरपाल के नीचे बैठे हुए हैं कि जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेचा, उनके उनकी जगह इस जेल के सलाखों के पीछे है। आप सीबीआई जांच करवाइए। हमने उन्हें कहा कि आपने प्यादों को तो पकड़ दिया, पर जो आपके विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो इसमें संलिप्त है, उनको सजा कौन देगा? हम 450 दिनों से धरने पर बैठे कि सीबीआई जांच कराएं, पर वही यहां पर भी हो रहा है। अगर सीबीआई जांच कराते हैं तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, आधे से ज्यादा नेता देश जेलों के अंदर होंगे। इसलिए वो सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर कभी मौका मिला तो जनता जनार्दन ने सहयोग किया तो बच्चों के भविष्य को बेचने वाले लोग, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, वर्तमान मुख्यमंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जिस प्रकार से इस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते हम इस चुनावी समर में आए हैं, यहाँ पर आने का भी ये विशेष कारण है कि जब हम लोगों की सुनवाई सड़कों पर नहीं हुई तो कुछ प्रदेश की आंदोलनकारी शक्तियां, कुछ प्रदेश के शुभचिंतक, कुछ प्रदेश के युवा, जिन लोगों ने जो भुक्तभोगी हैं, उन लोगों ने कहा कि सड़कों पर कब तक लड़ोगे? सड़कों पर लड़कर तुम सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, सड़कों पर लड़कर तुम सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, सड़कों पर लड़कर तुम केवल सरकार का पुतला दहन कर सकते हैं, इससे ज्यादा तुम सड़कों पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इस प्रदेश के अस्तित्व और अस्मिता को बचाना है, अगर इस प्रदेश को बेहतर बनाना है, तो इस प्रदेश की विधानसभा या संसद के भीतर जाना पड़ेगा, वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें जब युवाओं का आदेश हुआ, जब निर्देश हुआ, जब उनके सुझाव आए, तो कहीं ना कहीं हम आज जिस चुनावी समर में कूदे हैं, और आज इस चुनावी समर में जब कूदे हैं तो मुझे लगता है कि भरपूर प्यार उस समाज का मिल रहा है जिस समाज के लिए लड़े थे। आज मैं समझ सकता हूं कि मुद्दे तो बहुत हैं। आज इन पहाड़ों को हमारी सरकारों ने अनाथों की तरह छोड़ दिया है। एक ऐसा क्षेत्र
पूरी यमुना घाटी, पूरी गंगा घाटी, पूरा रवाई, जौनपुर, जौनसार, इतना बड़ा क्षेत्र जहां लाखों की आबादी निवास करती है, उनके लिए एक बेहतर अस्पताल हमारी सरकार आज तक 24 वर्षों में नहीं बना पाई। उनके लिए कोई बेहतर स्कूल, इन्होंने इंटर कॉलेज जो बनाए हैं उनको इन्होंने इंग्लिश मीडियम तो कर दिया, पर वहां पर दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या घटते जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो निजीकरण की तरफ जो दौड़ लगाई जा रही है, निजीकरण की तरफ जो ले जाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हम लोगों की हैसियत नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर उनकी फीस, उनके ड्रेस के खर्चे जिस प्रकार से वो लूटते हैं वो हम कर सके। क्योंकि आज अगर निजीकरण की तरफ जाने की बात हो रही है, सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात हो रही है, तो दूसरी जगह वही नेताओं के स्कूल खड़े हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के रूप में नेताओं के स्कूल खड़े हो रहे हैं, और वही नेता है, वही बिजनेसमैन बने हुए हैं। आज अगर सरकारी अस्पतालों को किनारे करके उन्हें बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो वही नेता का अस्पताल खड़ा हो रहा है, और वही नेता वही बिजनेस उस अस्पताल के माध्यम से कर रहा है। मैं समझता हूं कि अपना बिजनेस आप करिए, पर जो एक गरीब परिवार है, जो निचले तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग की परिवार है, जो मेहनत की कमाई से अपने दो टाइम की रोटी, जो दो जुम की रोटी खाता है, उसके लिए तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा देना सरकार का दायित्व बनता है। और गजब तो तब हो गया कि जब इस उत्तराखंड में आज 24 वर्ष उत्तराखंड को बनकर हो गया है, और आज तक इस उत्तराखंड के अंदर जिस अवधारणा और परिकल्पना को लेकर ये उत्तराखंड बना था कि हम, आप सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और आप लोगों का भागीदारी इस उत्तराखंड आंदोलन में रही है, आप लोगों ने बड़े करीबी से इस आंदोलन को देखा है और आप लोगों ने लड़ा है। आप लोग कहा करते थे कि इस प्रदेश की जो अवधारणा होगी, इस प्रदेश की जो परिकल्पना होगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर उत्तराखंड बनेगा, अगर उत्तराखंड बनेगा तो यहाँ से पलायन रुक जाएगा। पर मैं समझता हूँ कि आज 24 वर्ष बाद भी ना तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना पलायन रुक रहा है। रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारी जो लड़ाई है कि अगर हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से अधिक युवक और युवती को वोट देने का अधिकार है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें रोजगार का अधिकार भी होना चाहिए, और इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर एक रोजगार कानून बनना चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था करे। वो रोजगार सरकारी ही नहीं, वो रोजगार कुछ और भी हो सकता है, और उसकी व्यवस्था करे, उसकी प्लानिंग करे, ऐसी नीति बनाए कि हमारा देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान रोजगार ले सके, और रोजगार की तलाश में जाते जाते कहीं वो नशे की ओर तो नहीं जा रहा है। ये विशेष ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो नशे का कारोबार जो फल फूल रहा है वो बड़ा चिंता का विषय है। मैं समझ सकता हूं कि जिस माँ बाप का बेटा इस नशे की लत में होगा, उन्हें पता है कि कैसे उस बच्चे को बचपन से पाल पोष कर बड़ा किया, और आज जिस प्रकार से वो गलत संगत की तरफ, केवल केवल डिप्रेशन में आके, रोजगार की तलाश में वो डिप्रेशन में आ गया और गलत संगत की तरफ चल गया। वो नशा यहां नहीं बन रहा है, वो नशा विदेशों की धरती से इस धरती पर आ रहा है, बंदरगाहों से लेकर दिल्ली से यहां कैसे पहुंच रहा है, किसका संरक्षण है, क्या है, ये लड़ाई लड़ने की आज जरूरत है। आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि जिन युवाओं ने सपने देखे थे कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी के लिए उन लोगों ने 12-12 घंटे, 18-18 घंटे भी तैयारी की है, उन्होंने सपने देखे थे कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा और तैयारी करने के बाद मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि मेरी नौकरी लग जाएगी। परंतु आज और नौकरी लगने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होगा तो जो बुढ़ापे का जो पेंशन के रूप में उसे मिलता था, कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो उसका बुढ़ापे का सारा जो उसका परिवार उस पेंशन से पलना था, आज जिस प्रकार से उस पेंशन को खत्म करने का जो काम किया है, मुझे लगता है कि आज उस कर्मचारी को और उसके परिवार को आज वोट की चोट करने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से हमारे कई युवा साथी जिन्होंने सपने देखे थे कि हम इस देश की सरहदों पर जाकर इस देश की सेवा करेंगे, भारतीय सेना की वर्दी पहनेंगे और इस देश की सेवा करेंगे,
आज अग्निवीर योजना लाकर जिस प्रकार से उन युवाओं के सपने को चकनाचूर करने का काम किया है, मुझे लगता है कि उन युवाओं को और उनके परिवार को आज वोट की चोट करने की जरूरत है। आज मैं समझता हूं कि यह चुनाव लोकसभा का है और इससे पहले 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। हम भी आंदोलनरत थे और जब 4 दिसंबर 2021 को मोदी जी देहरादून में आते हैं, परेड ग्राउंड में सभा करते हैं, तो 3 दिसंबर 2021 को भवी पवार को उठाकर सुद्धोवाला जेल में डाल दिया जाता है, केवल इस डर से कि कहीं वो अंदर ना घुस जाए, रोजगार का सवाल ना पूछ ले, कहीं वो अंदर ना घुस जाए, कहीं वो अग्निवीर पर सवाल ना पूछ ले। इसलिए मोदी जी के आने के कारण हमें 2 दिन जेल रखा जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, उसी दम की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में कहा था, पुलिस के मंच से कहा था कि यहाँ के पुलिस के नौजवानों के लिए 4600 ग्रेड पे की व्यवस्था की जा रही है, परंतु आचार संहिता लगने के बाद सरकार पुलिस के वोटों के बल पर सरकार भी बन जाती है, परंतु आज पुलिस के नौजवानों के हाल देखिए, क्या उन्हें 4600 ग्रेड पे मिला? नहीं मिला। इस प्रकार से कहा गया कि जो हमारे होमगार्ड जवान हैं उनके लिए 365 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, क्या आज चुनाव बीतने के बाद उन्हें मिला? नहीं मिला। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरे पास घोषणा करने के लिए कुछ नहीं है और ना हम ऐसी घोषणा करेंगे, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लेना कि जिस प्रकार से 5 साल 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, जो चुनावी मंचों से घोषणा हुई है वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जिस ईमानदारी और कर्मठता के साथ रोजगार और भ्रष्टाचार की लड़ाई, जल जंगल जमीन मूल निवास भू कानून की लड़ाई को हमने लड़ा है, उसी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की तरक्की के लिए आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया जाएगा। और ये नाता चुनाव तक का नाता नहीं है, ये नाता बहुत लंबा नाता जुड़ने वाला है। जिस